नमस्कार, आप देख रहे रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। विभाजन के दौरान देश में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिन रखा गया है। इस बीच पीएम मोदी और अमित शाह ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही अमित शाह ने भी देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अफसर गुरु को अफसर गुरु जी और उनकी पार्टी के सदस्य ओसामा को ओसामा जी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने अब भारतीय मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस अहंकार में जी रही है। वे पीएम, ओबीसी, लोकतांत्रिक संस्थानों को गाली देते हैं और अब उन्होंने नागरिकों को गाली दी है। बता दें कि बीते दिन रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जनसभा के दौरान कहा था कि बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महाभारत की इस धरती से उनको श्राप देता हूं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का ज्ञानवापी परिसर की तरह ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार कथित शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है जिसका निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था और ऐसा निर्माण मस्जिद नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि विवादित भूमि के संबंध में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति द्वारा पेश किए गए दावे की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गहन वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराना जरूरी है। बीजेपी ने आज आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सूची के अनुसार लिन चिनलाल जी केरल की पुतुपल्ले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के घोसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्वती दास उत्तराखंड के बागेश्वर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा जिसके परिणाम 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के नजदीक जा रहा है देश की उम्मीद बढ़ रही है। इसरो ने आज एक बार फिर यान का ऑर्बिट बदल दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान चांद के और नजदीक पहुंच गया है। स्पेस एजेंसी ने 11:30 से 12:30 के बीच आज तीसरी बार यान का ऑर्बिट बदला है। इसके साथ ही स्पेस एजेंसी ने ऑर्बिट में बदलाव के लिए अगली तारीख 16 अगस्त तय की है। चंद्रयान 3 के 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को चांद पर उतरने की उम्मीद है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी अपनी धरोहर और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवे भव्य स्वरूप के अस्तित्व में आने के बाद पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है। इससे यहां की आर्थिकी को तीव्र गति मिली है। वहीं वाराणसी प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर बन गया है। राज्य पर्यटन विभाग के अनुसार 2019 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 68 लाख थी और अब इस वर्ष सावन के एक महीने में यह संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के CEO सुनील वर्मा ने बताया कि दिसंबर 2021 में गलियारे के उद्घाटन के बाद से 10 करोड़ पर्यटक मंदिर का दौरा कर चुके हैं। पंजाब के पठानकोट जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। BSF ने आज एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। BSF के जवानों ने सीमावर्ती सिम्बल के पास पड़ने वाले क्षेत्र में सीमा बाढ़ के आगे एक पाकिस्तानी घुसपैठी की संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसके बाद सैनिकों ने घुसपैठी को चेतावनी दी लेकिन वह नहीं रुका। सीमा सुरक्षा बल ने उस पर फायरिंग कर दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई डी अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया है। ED ने पूछताछ के लिए अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए अशोक कुमार को कई नोटिस दिए थे लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर ED ने अशोक कुमार को कोच्चि से हिरासत में लिया और फिर उन्हें चेन्नई ले जाया गया। बता दें कि ईडी ने हाल ही में करूर में 2.5 एकड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी जहाँ अशोक कुमार की पत्नी निर्मला के नाम पर एक विशाल हवेली का निर्माण किया गया था। पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सुनील जाखड़ ने कहा कि शहीदों के सम्मान में केंद्र की ओर से लगवाए गए स्मारक पत्थरों से छेड़छाड़ कर आप सरकार ने घृणित कार्य किया है। जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवत मान को याद दिलाया कि वे शहीदों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। अच्छा होगा कि वे अपने काम और अपनी सोच में शहीदों की सोच का कुछ हिस्सा भी शामिल करें।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो स्मारक शिलाएं भेजी गई हैं, उन पर प्रधानमंत्री के नाम के साथ संदेश लिखा गया था, जिस पर पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश पर काले रंग की टेप लगाकर एक अलग संदेश लिखवा दिया। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। राज्य में जगह जगह बादल फटने व भूस्खलन से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लापता हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार आपदा के कारण राज्य में 752 सड़कें बंद हैं। वहीं प्रदेश में आज बारिश के कहर के बीच शिमला में 2 भूस्खलन और सोलन में बादल फटने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि समर हिल इलाके में एक शिव मंदिर ढह गया था और नाभा इलाके में एक अन्य जगह जहां कई घर मिट्टी और कीचड़ के नीचे दब गए हैं, मलबे से 9 शव निकाले गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अभी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है, राहत और बचाव कार्य जारी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य के गठन के बाद से यहाँ समय समय पर जनपदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। हाल ही में राज्य के एक और नए जिले का गठन हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य में मऊगंज जिले का गठन किया गया है। इस जिले को मिलाकर वर्तमान स्थिति में इस राज्य में जनपदों की कुल संख्या 53 हो गई है। इन सभी जिलों को राज्य के 10 संभाग ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर में विभाजित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जल्द ही सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 अपनी अंतरिक्ष आधारित भारतीय ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करेगी। बेंगलुरु मुख्यालय वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिशन पर एक अपडेट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि URRAW सैटेलाइट सेंटर में तैयार किया गया सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के स्पेस पोर्ट पर पहुंच गया है। इसरो ने कहा कि L1 से वास्तविक समय से सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। देश की थोक मुद्रास्फीति जुलाई में वार्षिक आधार पर घटकर -1.36% पर पहुंच गई। मई जून में यह -4.12% पर थी। आंकड़ों के अनुसार मासिक आधार पर मुद्रास्फीति इंडेक्स 1.95% पर रहा। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि जुलाई 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेलों, बुनियादी धातुओं, रसायन व रासायनिक उत्पादों, कपड़ा व खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण आई है। भारत का व्यापारिक घाटा जुलाई में कम होकर $20.67 अरब रह गया है। यह पिछले वर्ष समान अवधि में $25.43 अरब था। आयात में भी कमी देखने को मिली है और यह पिछले वर्ष के मुकाबले $10 अरब से अधिक घटकर $52.92 अरब रह गया। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जून में भारत का व्यापारिक घाटा $20.13 अरब और मई में $22.10 अरब था। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने मलेशिया को 4-3 से मात दी और चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी को चौथी बार जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने नया कीर्तिमान भी रचा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार भारतीय टीम वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। इस रैंकिंग में नीदरलैंड पहले और बेल्जियम दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे पर काबिज हो गया है। गदर 2 में एक बार फिर सनी देओल अपनी आइकॉनिक किरदार तारा सिंह को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी रिलीज के बाद से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस बीच गदर 2 ने वीकेंड पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसने रिलीज के 3 दिन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर शाहरुख खान की पठान और बाहुबली को तीसरे दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ गदर 2 की कुल कमाई अब 134 करोड़ रुपए हो गई है।